ये प्रेजेंटेशन हो गई सब लोगों की, क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट से मुतालिक और कांस्टेंट वाले से मुतालिक। अच्छा, तो ये दोनों बातें ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ना कुछ लोगों का डेटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट भी था, ठीक है, लेकिन मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने कहा फ्लो ख़राब होता है तो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आपने नोट किया है कि यार जिन लोगों ने ये फ्लोटिंग पॉइंट वाली बात की थी ना, जिक्र किया, तो उनकी स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा मैथ हुआ कर मैथ लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। हालांकि इस टॉपिक को समझाने के लिए ना इतनी सी भी मैथ की ज़रूरत नहीं है, ये बिना मैथ किए ना स्लाइड में भी आप समझा सकते थे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये समझो इस चीज़ को कि प्रेजेंटेशन से फ़ायदा क्या हुआ जिन लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे ये स्लाइड है ना, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अच्छा आप प्रोजेक्टर के उस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट ज़्यादातर लोगों की हेडिंग ना मेन टेक्स्ट वहाँ लगा हुआ था और वो उधर ही कोने पे खड़े हुए थे, उनका शेडो उसके ऊपर आ रहा था ना, ठीक है। तो आपको ये भी जहन में होना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन कहीं पे देने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें, कि आप किधर खड़े होंगे, आपका शेडो एक्चुअल जहाँ पे आ रहा होगा ना, तो वहाँ पे आपने कम कंटेंट रखना है या दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है कंटेंट, या आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे वो कंटेंट आपके मुंह पे ना आ रहा हो, खाली जगह पे दूसरे पे आ रहा हो, क्योंकि खड़ा तो आपने प्रोजेक्टर के सामने ही होना है, आप बिल्कुल कोने में तो नहीं जा सकते स्टेज के, है ना, हाँ होना तो आपने सामने ही है खड़ा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कलर्स का जो मैंने जिक्र किया था, कलर्स का ख्याल रखें, फॉन्ट के साइज़ का ख्याल रखें, बहुत छोटा फॉन्ट नहीं पढ़ा जाता, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होना, इट्स इज़ असल में स्लाइड का जो मेन पर्पस होता है ना, कि स्लाइड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्बली बोल नहीं सकते, डायग्राम बना के दिखाना होता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट्स होते हैं उसके अलावा, क्योंकि सम टाइम एक आपका प्रेजेंटेशन का फ्लो होता है, आप भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा पॉइंट बोलना था, तो पॉइंट याद रखने में आपको हेल्प आउट करता है स्लाइड। अच्छा, प्रेजेंटेशन देते हुए कभी भी आपने स्लाइड की तरफ घूमना नहीं है, आपने तो ऑडियंस को पीट कर दिया ना आपने, आपका ऑडियंस की तरफ जहाँ पीट हुआ ना तो वो सबसे बड़ा गुनाह है, ऑडियंस बुरा मानती है फिर उससे, ठीक है, वो आप ही हैं वो ऑडियंस, जब प्रेजेंटेशन दे रहा होगा ना कोई और वो आपकी तरफ पीट कर लेगा और प्रेजेंट साइड की तरफ मूव कर लेगा तो आप बुरा मान जाएंगे, तो कभी भी ऑडियंस की तरफ पीट नहीं करनी है प्रेजेंटेशन देते वक्त, ठीक है। अच्छा, एक नज़र मार सकते हैं आप स्लाइड पे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नज़र नहीं मार सकते, एक नज़र आप मार सकते हैं, लेकिन आपने जब प्रेजेंटेशन चल रही हो ना, आप बात कर रहे हो आप, तो आपने ऑडियंस की तरफ देखना है। अच्छा, और पॉसिबल अगर हो आपके लिए तो आपने जो 10 मिनट की प्रेजेंटेशन के दौरान कमरे के जो भी ऑडियंस, जैसे मेरे पास यहाँ से लेके वहाँ तक लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उस 10 मिनट की प्रेजेंटेशन में आइडियल केस ये है कि आप सब लोगों से आई कांटेक्ट हो आपका, सबकी तरफ देख रहे हो आप, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रूम में सिर्फ एक बंदे की तरफ देख के बात कर रहे हो, ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन में ऐसे बोला जाता है कि भाई इंसान जो बेस्ट कम्युनिकेटर है ना वो 1-to-1 है, तो जब बहुत सारे लोगों से जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो उसका भी ट्रिक यही है कि आप इतने सारे लोगों में किसी एक बंदे की तरफ देख के आप बात करें, तो थोड़ा थोड़ा करके ना आपने हर बंदे की तरफ देखना है, उससे ऑडियंस क्या होती है, कनेक्ट होती है आपके साथ, कनेक्शन फील होता है उसको कि अच्छा यार ये मुझसे ही बात हो रही है, ठीक है, वरना अगर मैं हर वक्त इस तरफ देख के बात करता रहा हूँ ना, तो इधर वालों को थोड़ा मिस डाउट फील होगा शायद सम टाइम, अच्छा यार ये तो उनके लिए बात हो रही है, तो फिर ये थोड़ी देर में ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में बटन वटन भी अपने खोल के और जो है ना थोड़ा सीधे होकर लेट भी जाएंगे सीट पर कि अच्छा यार ये तो उन लोगों के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो या फिर फ़ोन वोन यूज़ करने लगे तो एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आप ऑडियंस की तरफ देखें नहीं तो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ड्रेसिंग जो आपकी हो ना प्रेजेंटेशन में, वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपके ख्याल में प्रेजेंटेबल है वो, अभी ये अभी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना प्रेजेंटेशन की, अच्छा ये इसलिए मैंने की है रिकॉर्ड ताकि ये मैं यूट्यूब पर लगा दूंगा तो आप लोग इसको देख सकें और देख के आप एनालाइज कर सकें कि अच्छा यार, क्योंकि देखो आपका हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अच्छा यार ये जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जब अपने आप को, जाहिर है आप तो यहाँ खड़े हैं, आप अपने आप को देख थोड़ी सकते हैं वहाँ से कि कैसा दिख रहा हूँ, तो ये वीडियो आ गई आपके पास, अब आप अपने आप को यहाँ से देखेंगे ना जब, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने उसमें नोट करना है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा, उसको इम्प्रूव करेंगे आप। अच्छा, फिर बोलना, बातें करना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है।
आपके ब्रेन में बहुत कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, लेकिन अगर आप वो सामने वाले से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक मशहूर कहावत है, किसी ने बोली है कि अगर 5 मिनट के अंदर ना कोई बात आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपको खुद भी नहीं समझ आया, खुद भी नहीं पता आपको। ठीक है, तो जो बात आपको पता होती है ना, वो 5 मिनट में आप सामने वाले को समझा लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक अगर हो तो सामने वाले को 5 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो है, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये दोनों जो है ना चक्कर, ये मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चक्कर है। अच्छा, एक तो हमने वो बाइनरी पढ़ा था कि बाइनरी नंबर मेमोरी में सेव करें तो कैसे करें, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, हमारे पास 8 बिस्किट्स हैं या 16 बिस्किट्स हैं, या उसको ट्रांजिस्टर कह लो या उसको बिस्किट कह लो या 01 वाले मंजन कह लो, जो भी कह लो, वो उसमें एक ही वैल्यू होती है एक वक्त में, या तो 0 या तो 1। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें हमने कुछ सेव करवाना है। अब उसमें सेव कराने के लिए क्या, वो एक चार्ट सा मैंने बना के दिखाया था आपको कि अच्छा यार ये उस वक्त के मैथमेटिशियन ने सजेस्ट किया कि यार ऐसे कर लो, वो तो हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई, वो तो पहली दफ़ा हुआ था, उसके बाद अप्रोच चेंज हुई, जैसा कि मैंने जिक्र किया था उस टाइम भी आपसे कि जस्ट अप्रोच चेंज हुई है, चीज़ वही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यार आप ना नंबर को डायरेक्ट जो करवाते हो ना सेव, जैसे मेरे पास नंबर है 247, तो मैं क्या करता था कि उस चार्ट में देखता था कि 247 मिल जाए या तो उससे छोटा मिल जाए, उससे छोटा मिलता था वो उठा लेता था, माइनस करता था, फिर ऐसे आखिर तक वो ख़त्म हो जाता था। तो अब जो उसके बाद साइंटिस्ट आया ना, उन्होंने बोला यार पॉइंट वाली वैल्यू भी तो सेव करानी है, नेगेटिव पॉजिटिव भी तो पता चलना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला हुआ मंजन, उन्होंने बोला अच्छा यार ये 16 बिट है ना, तो 16 बिट में से एक को रिजर्व कर दो, साइन बना दो कि अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि भाई ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है ये नंबर नेगेटिव है। तो एक तो साइन हो गया, ये यही वजह है कि साइन इंटीजर, अगर सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ी हो आप में से या जावा पढ़ी हो, तो साइन इंटीजर जो होता है उसमें थोड़ी कम वैल्यू स्टोर होती है क्योंकि एक बिट उसका रिजर्व होता है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार फ्लोटिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए उसमें, पॉइंट वाले भी तो नंबर होने चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त एक नया सजेशन आई, सजेशन ये आई कि यार आपके पास जो 16 बिट है ना, अच्छा एक चीज़ और प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने मिस की, वो ये की कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। आप सब लोगों ने 32 बिट पे एक्सप्लेन किया है, 32 बिट जावा स्क्रिप्ट में नहीं होता, वो दूसरी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, सी में होता है 32 बिट, सी में दोनों है, 32 वाला भी है 64 वाला भी है, तो लेकिन जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ 64 बिट वाला है। अच्छा, तो उस सजेशन क्या आई अगली पॉइंट वाले नंबर को सेव कराने के लिए कि यार आप ना पहले नंबर को डायरेक्ट नहीं कराओ सेव, नंबर का फॉर्मेट चेंज कर दो। फॉर्मेट क्या कर दो उसका, वो 10 की पावर वाला फॉर्मेट, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अगर मैं जाऊँ ना गूगल पे तो किसी भी नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल जो बिट है वो है 64 बिट, ठीक है ना, मेरे पास टोटल अवेलेबल जो बिट है वो 64 बिट है, यानी 64 बिस्किट्स हैं मेरे पास। अब इस 64 में से ना उन्होंने कहा कि यार एक तो निकाल दो आप साइन के लिए, तो ये हो गया 63, एक तो साइन के लिए रिजर्व हो गया ना, उसमें तो कुछ और रख नहीं सकते उसमें से 0 या 1, साइन के लिए हो गया, तो बच गया बाकी 63। अब 63 को क्या करते हैं, दो जगह कर लेते हैं डिवाइड, दो जगह या 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, और ऑन अदर एंड अब ये क्या किया मैंने यहाँ पे, कन्वर्ट अ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ठीक है, टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं कि भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्टर। अब आई होप कि हमें वो मिल जाए, कैलकुलेट, अबे ये तो पूरी मैथ ही सॉल्व करके दे रहा है। अच्छा, ये इसने निकाला है साइंटिफिक नोटेशन और रियल नंबर, ये दो नोटेशन है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा गूगल में कि कन्वर्ट रियल नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ये लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेटर, ये आ गया ना मेरे पास कन्वर्टर ऑनलाइन। अच्छा, ये अब कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज अ मैथमेटिकल थिंग, है ना, दिस इज नॉट रेलिवेंट कि ये कन्वर्ट कैसे होता है,
आपने अक्सर जैसे अभी गूगल पे ना कोई बहुत बड़ा नंबर आप कैलकुलेट मारेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो साइंटिफिक नोटेशन में दे देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि व्हाट इज द, कोई नंबर बड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ये मैंने कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और एक और सामने बड़ा सा नंबर लिख दिया, एंटर किया ना मैंने, तो ये देख रहे हो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है, 10 की पावर में आ गया। अच्छा अब नोट करो कि ये 25 है और ये एक कुछ नंबर है, तो अब अगर मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करूँ अगर कि ये जो मेरे पास बचे हुए 63 बिट है ना, एक मिनट इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये बचे हुए जो 63 बिट हैं उसको मैं बीच से आधा कर दूँ। ये अप्रोच है, एक जुगाड़ है, एक तरीका है जो लोगों ने सजेस्ट किया उस ज़माने में, जो लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया। अगर मैं इस 63 बिट को बीच से आधा कर दूँ तो कितना बचा, 31 और एक तरफ 32, क्योंकि अब पॉइंट तो आधा तो नहीं कर सकते ना, बिट तो एक पूरा होगा, तो 31 हो गया और एक तरफ 32 हो गया। अभी मुझे नहीं पता इसको बीच से आधा करते हैं या क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, ये वो देख लीजिएगा आपके क्या करते हैं। अच्छा तो 31 बिट हो गया, एक तरफ 32 बिट हो गया। अच्छा 31 बिट में मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा अगर वो बगैर पॉइंट वाला करें तो? सोलह बिट में तो 65,000 तक हो जाता है ना, 16 बिट में 65,000 तक हो जाता है। अच्छा और 32 बिट में कोई 1,000,000 तक चला जाता है। अच्छा तो अब क्या हो गया मेरे पास, ये इधर वाला जो पार्ट है ना, इस तरफ वाला पार्ट, अच्छा उसमें वो ऐसा साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं ना जिसमें ये भी नहीं आता, ये 7 नहीं आता, ये 1 आ जाता है, 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट पे लाके ना तो फिर ये और बढ़ जाता है ये वाला। तो अब इस तरफ वाला जो ये इतना पार्ट है, एक ये है और एक 25 इतना पार्ट है कि है ना। अच्छा इस ज़रा कन्वर्टर अभी मिला नहीं है मुझे, कन्वर्टर ज़रा आ जाए कन्वर्टर पे ज़रा, ये आ गया ना बिल्कुल, इसने बेहतरीन किया, इंजीनियरिंग नोटेशन कहते हैं इसको, ये हो गया। अब देखो कितना भी बड़ा नंबर मैं लिख दूँ ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये देखो लंबा चौड़ा नंबर लिख दिया कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा ये 1 वाला अभी तक इसने लेकिन दिया नहीं मुझे, खैर तो एक तरफ मुझे ये पार्ट सेव कराना है और दूसरी तरफ मुझे जस्ट ये 38 सेव कराना है, तो शायद ये 38 के लिए मुझे बहुत छोटा सा स्पेस चाहिए और इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। बट इसको भी रिड्यूस कर लिया जाता है साइंटिफिक मेथड्स लगा वगा के ना, इसको रिड्यूस कर लिया जाता है, ठीक है। रियल नंबर ये है और इसका इंजीनियरिंग नोटेशन इसने ये निकाल के दिया है। अब उसका कोई ख़ास नोटेशन होता है वो मुझे शायद उसका आइडिया नहीं है कि वो क्या होता है उसका नाम, वरना मैं ज़रूर आपको वो करके दिखाता, ठीक है। वेल तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट उसको कन्वर्ट करके उसको फिर सेव कराते हैं तो फिर वो बिल्कुल बेहतरीन सेव हो जाता है। अच्छा एक और हम कोई कन्वर्टर देखते हैं, शायद हमें कुछ बेहतर नतायज उससे मिल जाएँ। इंच कैलकुलेटर मैथ वे साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेटर, कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। ओहो इसने तो चैटबॉट बनाया है भाई जवान ने। अच्छा इसने बोला कि 9.2 और 10 की पावर 4, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा मैं इसको कोई और दूसरा नंबर देता हूँ, सही है 0.25। अरे भाई क्या कर दिया इसने, यही है ना साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये 7 पॉइंट वाला लेकिन लेकर आ रहा है वो, अगर कोई किसी को पता है तो ज़रा मुझे बताए कि 1 पॉइंट वाले नोटेशन को क्या कहते हैं, उसका भी कोई नाम होगा स्पेसिफिकली। इसमें मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, लिस्ट ऑफ नंबर नोटेशंस इन मैथ्स, सही है। नोटेशंस अच्छा ये तो नोटेशन, वो सेट वाले नोटेशन को समझ लिया इसने।
एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इट इज टर्म बेस्ड ऑन द एन टर्म पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ और इंडेक्स. साइंटिफिक नोटेशन इज स्पेसिफिक टू एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल नंबर दिस दिस दिस. साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम पढ़ते हैं कि ये विकिपीडिया पे क्या कह रहा है ये. अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस नंबर दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली राइटिंग इन डेसिमल फॉर्म. ऐसे नंबर जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं जिसको डेसिमल में लिखना पॉसिबल नहीं होता, कि भाई 0.000001 इसको डेसिमल में नहीं लिख पाते हम, बहुत लंबी हो जाती है. अच्छा, तो इसको असल में ये टेक्निक मैथमेटिक्स की टेक्निक है कि किसी भी बड़े सारे नंबर को ना छोटा कर दो आप 10 की पावर में लाके. अच्छा, लेकिन ये इसका नाम नहीं बता रहा है कि इसको बोलते क्या हैं. ई नोटेशन, साइंटिफिक पिच नोटेशन, ई नंबर, मुझे पता चल जाए ना अगर कि कौन सा वाला. अच्छा, नॉर्मलाइज्ड नोटेशन, ओके अभी आ गए ना सारे नोटेशन आ गए. इंजीनियरिंग नोटेशन, नॉर्मलाइज्ड नोटेशन, ओहो, सिग्निफिकेंट फिगर. अच्छा, आई थिंक ये नॉर्मलाइज्ड वाला जो है ना वो है जो हमारा वाला है. डेसिमल टू फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्टर. अच्छा, ये बिल्कुल सही नोटेशन का नाम ढूंढ लिया मैंने. इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन से थोड़ा डिफरेंट है ये. अच्छा, और ये किसी ने ना फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्टर के नाम से ही इसका कन्वर्टर बना दिया. अच्छा, तो मैंने अभी यहाँ पे कोई नंबर लिखा बड़ा सा और पॉइंट के बाद इसमें कुछ और डिजिट भी लिख दिया और कन्वर्ट का बटन दबाया. क्या कर दिया इसने, ये रिजल्ट कहाँ आ रहा है. अच्छा अच्छा, ये इसने नॉर्मलाइज नोटेशन में इसको कर दिया ये वाला. अच्छा, यहाँ पे नीचे चेक लगाने का ऑप्शन है कि डेसिमल में चाहिए या किस किस चीज में चाहिए, इस वाले को किस में कन्वर्ट करना है. बाइनरी भी इसके अंदर मौजूद है, सब मौजूद है इसमें. अच्छा, बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन ये रहा, कुछ इस तरह से होगा. देखो शुरू में तो वन है ना, तो ये इसको शुरू में वन करके नोटेशन बनाते हैं ना, तो वो उसकी खैर है. सही, शुरू में वन करके बनाते हैं तो वो वन को फिर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहते हैं हमेशा ही वन होगा वो, तो हमें जस्ट ये वाला पार्ट सेव कराना है. ठीक है, ये वाला पार्ट और उसके बाद ये 62 जो है ना इसको सेव करा, ये 2 की पावर भी हमेशा ऐसा ही होगा, तो ये 62 को, तो ये इन दो चीज़ों को अगर हम सेव करा दें ना किसी तरह उस बिट्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे फिर उन दोनों पार्ट को उठाएंगे और अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करके असली नंबर दोबारा बना लेंगे. तो रखवाते हुए ये बना के रखवाएंगे और वापसी निकाल के उसको जैसे हमें करना होगा. अच्छा, बाय द वे वो कभी उसको रियल मतलब डेसिमल में कन्वर्ट भी नहीं करना होता, वो कंप्यूटर क्योंकि चलता ही बाइनरी पे, तो वो जिस तरह सेव है ना बाकी सब जगह उसी तरह घूमता है, वो उसको कन्वर्ट वन्वर्ट नहीं करना होता. अच्छा, तो अब मेरे पास ये देखते हैं कि इतना नंबर मुझे सेव कराने के लिए कितने बिट मुझे चाहिए होंगे. मैंने देखो काफ़ी बड़ा नंबर लिखा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डिजिट तक ये जो है ना वो कर लेता है जावास्क्रिप्ट हमारा. तो ये 4 डिजिट मेरे एक्स्ट्रा हैं, इसको हटा देता हूँ मैं और अब कन्वर्ट मारता हूँ इसको. ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर होगा कि जो जावास्क्रिप्ट में सेव हो जाएगा. ये अभी वो नंबर रखा है मैंने. अच्छा, अब यहाँ से ये जीरो गिन लो, 1, 2, 3, 4. अच्छा, एक तो चीज़ पक्की है कि इसके लिए ना मुझे जगह कम चाहिए, क्योंकि ये देखो 49 ही आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कभी भी नंबर नहीं आएगा इसके अंदर. ये 49, 58, 200, 300 इसी तरह रहेगा ये. लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना मेरा, ये देखो इसके लिए मुझे बड़ा बड़ी वैल्यू चाहिए. तो मे बी अब यहाँ पे ना ये जो 63 बिट बचे हुए थे मेरे पास,
उसमें मैंने जो डिवाइड किया है वो ज़ाहिर है एक को थोड़ा कम दूंगा, एक को थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा। अब उसमें जितना बड़ा मैक्सिमम नंबर आ गया वो आ गया, उससे बड़े के लिए फिर मैं कहूँगा कि यार ये इसके अंदर अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसके अलावा भी एक होता है जिसको हम कहते हैं बिग इंटीजर, जिसमें नंबर के साथ एन लगाना होता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, सही है, बिग इंटीजर। तो बिग इंटीजर को लिखने के लिए ना आपको क्या करना होता है, या तो आप ऐसे करके लिखेंगे उसको बिग इंटीजर को, या तो आप जस्ट उसके साथ एन लगा देते हैं। ये रहा, आप इसके साथ लगाते हैं एन। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि कांस्टेंट माई नंबर इक्वल्स टू, और जो भी यहां पे आप नंबर लिखेंगे लास्ट में उसके आप लगा देंगे एन, ठीक है। इसमें उस तरह से लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको जरा अलग से खोल के बता देता हूं। यहां पे आप कहेंगे कि यार स्क्रिप्ट के अंदर आ जाता हूं मैं, मैंने कहा लेट माई नम इक्वल्स टू, क्या कर दूंगा मैं, जो भी मैंने नंबर लिखा है लास्ट में मैं लगा दूंगा एन इसके। ये 64 बिट से भी बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं गूगल कर लेता हूं कि बिग इंटीजर का जो साइज है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कितना है, तो वो यहाँ पे आपको बता भी देगा, ठीक है। साइज ऑफ बिग आईएनटी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आप देखें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे उसकी निस्बत के, इतना बड़ा नंबर और 2 की पावर 53, यानी इतने बड़े नंबर में 53 जीरो लगा दो आप, और वहाँ से लेके फिर पॉजिटिव भी इतना ही बड़ा, नेगेटिव इतने से लेके पॉजिटिव इतने तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इमेजेस में जाऊँ ना, तो कहीं पर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ होगा कि नंबर वर्सेस, अगर मैं लिखूँगा ना नंबर वर्सेस बिग इंट इन जावास्क्रिप्ट, तो वो लोगों ने शायद कहीं ना कहीं स्लाइड पे ना कंपैरिजन करवाया हुआ कि हाउ कितना परसेंट उससे ये बड़ा है। कहीं पे ऐसा मुझे दिख तो नहीं रहा, कहीं ऐसा मुझे दिख नहीं रहा इसमें कंपैरिजन का भी वर्ड ऐड करता हूँ इसमें। नहीं, ऐसा कुछ कंपैरिजन दिख नहीं रहा। अच्छा, ये किसी ने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें वेबसाइट पे ये जिक्र है कि बिग इंटीजर वर्सेस नंबर का कोई जिक्र है, आर्टिकल लिखा है किसी ने ये। अच्छा, यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि कितना कितना बड़ा है ये, क्या डिफरेंस है इसका। यहाँ पे लेकिन क्लियरली इसने मेंशन नहीं किया कि वो एग्जैक्टली कितना साइज में बड़ा है, डिफरेंस कितने परसेंट का डिफरेंस है। जस्ट इसने ये इस आर्टिकल में ये डिफाइन किया कि अच्छा एन लगाने से होता क्या है, जस्ट इसने ये डिफाइन किया कि एन लगाने से वो बिग इंटीजर बन जाता है, बट साइज पे कोई बात नहीं की। वेल, आप अलग से उसको गूगल करेंगे तो आपको साइज, जैसे मुझे यहाँ पे मिला ना साइज, तो अब यहाँ पे इसने टेक्स्ट में वो लिख के तो दे दिया कि भाई 2 की पावर 53 पता नहीं कितनी। तो अच्छा, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे भी किसी ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 53 ही लिखा हुआ है किसी ने। तो 53 का मतलब है 53 जीरो, तो क्लियर है, लेकिन एक्चुअल वो एग्जैक्ट नंबर जो है, ताकि हम उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें कि आया गया कितना बड़ा है, क्या उससे डबल है 64 बिट वाले से, ठीक है। फिर बाइट कितने लेता है वो गालबन लेता है 128 बाइट लेता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब तो ये एक तो बात ये हो गई कि असल में क्या जुगाड़ था कि हमारे पास लिमिटेड बिट या बाइट है और उसके अंदर हमें बड़ा नंबर स्टोर करना था, तो हमने क्या किया, नंबर को रखने का नोटेशन चेंज कर दिया।
और उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक में नंबर और एक में उसकी 10 की पावर, वो सेव करा दिया और तीसरा साइन करवा दिया। तो हमारे कम बिट के अंदर इस अप्रोच की वजह से, जस्ट सिर्फ इस अप्रोच की, बिट अभी भी उतना ही है और उसी तरह काम करते हैं, सिर्फ इस अप्रोच की वजह से वो नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो गया। और दो बाइट के अंदर ना, अगर इस तरीके से सेव किया जाए दो बाइट के अंदर, तो ये बिलियंस क्रॉस हो जाते हैं। हालांकि दो बाइट में नॉर्मली सेव करें तो 65,535 से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आता है, ठीक है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था उस क्लास में, अगर किसी ने नहीं देखा था तो वो देख सकता है वीडियो में जाके। तो ऐसे नॉर्मली अगर हम सेव करें तो दो बाइट के अंदर, या 16 बिट कह लें आप उसको, या दो बाइट कह लें, उसमें 65,000 तक के नंबर सेव होते हैं। लेकिन अगर वही काम फ्लोटिंग पॉइंट वाली अप्रोच से करें, इस एक्सपोनेंशियल करके कि 10 की पावर को अलग और इसको, तो वो 2 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जावास्क्रिप्ट में 64 बिट है, तो वो 15 डिजिट तक के नंबर को शायद कर लेता है सपोर्ट। अब 15 डिजिट बिलियन ट्रिलियन से तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि वो कॉन्स्ट कर देने से क्या होता है कि एरे जो है वो फिर भी चेंज होता रहता है कॉन्स्ट कर देने से। मैंने कहा कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू और समथिंग, यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, 4, ठीक है। अब ये क्या करूँगा मैं, इसको भले मैं मेथड के ज़रिए अपडेट करूँ तो भी ये अपडेट हो जाता है, पुश पॉप ये सब लगाऊँ मैं तो भी, या अगर मैं किसी का ARR का बोलूँ कि मैं यार इंडेक्स नंबर 3 जो है उसको क्या कर दो, कोई और दूसरा नंबर उस पर लगा दो, तो वो भी अब अपडेट हो जाता है, उसमें कोई एरर नहीं देता वो। अच्छा, लेकिन एक सूरत में ये एरर देता है, अगर मैं बोलूँ ना ARR इक्वल्स टू और इसमें कोई नई नंबर डालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट आइडेंटिफायर है, ठीक है, इस आइडेंटिफायर को मैं रीअसाइन नहीं कर सकता, इसको मैं दोबारा से कोई नई चीज़ नहीं दे सकता। अच्छा, अब नॉर्मल वेरिएबल में ऐसा क्यों नहीं होता, नॉर्मल वेरिएबल में ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ ना, कॉन्स्ट मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 5। अब नॉर्मल नंबर के अंदर ना मेथड से इसको अपडेट करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल नंबर होता है मुझे हमेशा इसमें ए इक्वल्स टू 4 ही करना पड़ेगा अगर मुझे 5 से चेंज करना है तो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये इस तरह से अपडेट हो जाए, तो ये कॉन्स्ट ही रहता है। अच्छा, फिर एक दूसरा रीज़न भी है, ठीक है, ये रीज़न तो ये हो गया कि चलो जी, दूसरा रीज़न ये है कि वो सौतेला और सगे वेरिएबल वाला चक्कर है। ये नंबर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल ना, इनके हैं सगे वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के नेटिव वेरिएबल है। ये एरे जो है ये कंस्ट्रक्ट है, एरे इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का कंस्ट्रक्ट है और वो बनाया हुआ आइटम है। अब वो कंस्ट्रक्ट जो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एरे इटसेल्फ मेमोरी में एक अलग जगह स्टोर होता है, और एरे के अंदर मौजूद जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितना भी कंटेंट है, वो मेमोरी में एक दूसरी जगह स्टोर होता है, जो दोस्त ने भी प्रेजेंटेशन में उसका जिक्र भी किया था। तो असल रीज़न वो है कि एरे मेमोरी में, क्योंकि हमारे पास जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर नंबर्स लिखे हैं, तो ये 5 नंबर, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, एरे का इटसेल्फ कोई साइज़ नहीं होता, जितना कंटेंट होगा उतना साइज़ होगा। अच्छा, तो ये 5 अलग अलग वैल्यू ना मेमोरी में 5 अलग अलग जगहों पे सेव हुई भी होती है, एरे इटसेल्फ एक छठी जगह पे सेव हुआ होता है, तो वो छठी जगह जो है ना वो इसका रेफरेंस होता है, वो चेंज नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, बाकी जो दूसरी 5 जगहें ना वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा, और क्योंकि इंटरनली इसको ऐसे बनाया गया है कि जब हम नया इसमें 5 वैल्यू के साथ कोई दूसरी एक नई वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो रेफरेंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सही है, रेफरेंस तो सिर्फ एक वैल्यू को देख रहा होता है, और उस वैल्यू को अगले का पता होता है, उसको अगले का पता होता है, उसको अगले का पता होता है। तो इस वजह से भी हमारा जो एरे होता है उसमें जब हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं तो उसका सिर्फ आइडेंटिफायर जो है ना वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यूज़ क्योंकि दूसरी जगह पर होती है मेमोरी में, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज़ को पता भी नहीं होता कि जो एरे है एक्चुअल में वो कांस्टेंट है या क्या है। अच्छा, रेकमेंडेड यही है कि एरे को जब भी बनाया जाए कांस्टेंट के साथ बनाया जाए, रेकमेंडेड इस वजह से है ताकि आइडेंटिफायर ना कोई ये वाली हरकत ना हो जाए कहीं पे, क्योंकि ये गड़बड़ हुई ना तो सारा कोड ख़राब हो सकता है। तो फॉर द सिक्योरिटी, आप कह लें कि टाइप सिक्योरिटी या टाइप सेफ्टी के लिए, हमेशा एरे को कांस्टेंट के साथ बनाना रेकमेंडेड है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे टॉपिक थोड़े से डिस्कस हो गए आज, और आप लोगों की प्रेजेंटेशंस हो गई। अच्छा, अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमने टॉपिक क्या कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एरे और लूप, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा
वो बुक कहाँ गई हमारी? एरे के मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, थोड़े बहुत कर लिए थे हमने। अच्छा, नेस्टेड लूप भी हमने डिस्कस कर लिया नहीं किया? अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्लास में ना दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक हम करेंगे नेस्टेड लूप और दूसरा हम करेंगे एरे डॉट मैप का एक मेथड। ये दो हम मेनली टॉपिक कवर करेंगे और एरे के मेथड भी दो चार और देख लेंगे सरसरी सा, लेकिन मेनली हमारे दो टॉपिक होंगे, एक नेस्टेड लूप और दूसरा वाला एरे डॉट मैप। एरे डॉट मैप भी लूप चलाने का एक तरीका है, ठीक है, और कुछ जगहों पे रेकमेंडेड होता है कि आप एरे डॉट मैप चलाएं बजाय फॉर लूप चलाने के, ठीक है। फिर कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फॉर लूप के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इसी तरह कुछ मैप के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो प्रोज एंड कॉन्स सारे डिस्कस होंगे। तो बेहतर ये है आपके लिए, मेरी सजेशन आपको ये है कि ये दोनों टॉपिक आप घर से पढ़ कर आएँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम उसके आगे की बात करें, ठीक है। एक ही चीज़ आप दो दफ़ा जब पढ़ रहे होते हैं, दो दफ़ा समझते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो आप ये टॉपिक घर से पढ़ कर आएँ, आपकी बुक में ये दोनों टॉपिक मौजूद हैं। फॉर लूप तो हमने देख लिया, नेस्टेड लूप का सामने जिक्र है, मैप थोड़ा आगे जाकर है इसी बुक में ना, मैप थोड़ा आगे है, तो वहाँ मैप आपने वहाँ से पढ़ देना है, ठीक है जी। मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, रमज़ान है, तो रमज़ान में